नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी से। जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संघ वारासिवनी द्वारा आयोजित अमर शहीद श्री दशाराम जी फुलमारी और नगर के समस्त सेनानियों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भारी बारिश के बीच नगरवासियों की उपस्थिति ने पुनः संस्कारधानी वारासिवनी वासियों के जज्बे को प्रदर्शित किया। इस आयोजन के लिए पूरा सेनानी उत्तराधिकारी परिवार अपना तन मन और धन लगाकर शहीदों के नाम और जीवन परिचय को युवा पीढ़ी के सामने लाने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम में श्री आनंद ताम्रकार, जिला अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संघ द्वारा बालाघाट जिले का भारत के स्वतंत्र आंदोलन में योगदान, महत्व और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित पुस्तक का वाचन वितरण भी किया गया, जिसमें बालाघाट जिले के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और तथ्यों का सजीव उल्लेख भी किया गया है। उक्त कार्यक्रम की जानकारी स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संघ के मीडिया प्रभारी संजय अग्रवाल ने दी। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए वारासिवनी से कैलाश कसार की रिपोर्ट। धान की बढ़िया किस्म इस जिले में पैदा होती है। जिले की खनिज संपदा भी बहुमूल्य है। हाल ही में मलाशखंड में तांबे के भंडार का पता लगने से बालाघाट का नाम देश की खनिज संपदा है। यह चमत्कार है कि छोटे छोटे गांव में, सघन जंगलों में, आच्छादित क्षेत्रों में रहने वाली जनता को भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन ने न केवल प्रभावित किया, उनके आह्वान पर सर्वोच्च निर्वाचन करने को प्रेरित भी किया। बालाघाट राजधानी नागपुर के निकट ही बसा हुआ और इसलिए यह स्वाभाविक इतिहास से जो प्रांतव्यापी हद तक नागपुर से उत्तराखंड होती थी उसे यहाँ पहुंचने में देर हो जाती। यूं तो आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए देश प्रदेश और जिले की ताजा तरीन खबरें अपने ही मोबाइल पर रोज रात 9 बजे। नमस्कार।